चेहरे पे झुर्रियाँ, चेहरे पे झुर्रियाँ एक ऐसा एजिंग प्रोसेस है जो आपकी उम्र को बताने में और स्वयं आपको एहसास कराने में आपकी उम्र सबसे श्रेष्ठतम है। सबसे पहले अगर एजिंग तभी व्यक्ति की मानी जाती है अगर उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगे, और ये एक ऐसा साइन है जो आप समाज से छिपा भी नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे 5 रुपये लागत में तैयार करने वाली ऐसी व्यवस्था जो आपके झुर्रियों को कम करने में, रोकने में, ठीक करने में और डीले करने में आपके चेहरे पे मदद करेगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे झुर्रियों की, रिंकल्स की। रिंकल्स हम सब जानते हैं कि एजिंग का एक सबसे प्रमुख और पहला साइन होता है। जब हम लोगों में एक एजिंग प्रोसेस शुरू होता है उम्र के साथ, जब हमारी स्किन लूज होना शुरू होती है, कोलाजेन फाइबर जो है प्रोटीन स्किन में कम होने लगता है, तो हमें झुर्रियाँ आने लगती हैं और यह हमारे लिए एक कभी कभी समाज में उपहास का विषय भी बन जाती है। हम सब चाहते हैं झुर्रियाँ जितना ज़्यादा देर से आए उतना अच्छा है, और आजकल का तो ऐसा दौर है कि झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो साथियों, हम आपको बताते हैं एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा जो आपकी झुर्रियों को दूर करके आपकी स्किन को टाइट करने में, फ्लॉलेस करने में और एंटी एजिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा। और यह नुस्खा साथियों उन सब कॉस्मेटिक से अच्छा है, मैं आपसे एक भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ, जो बाज़ार में तमाम मिलते हैं, विटामिन ई सेरम, विटामिन डी सेरम, विटामिन बी सेरम, पता नहीं कौन कौन से नए नए कंसेप्ट ईजाद हो रहे हैं मार्केटिंग के लिए। 5,000 रुपये की इतना सा सीरम मिलता है, बाजार में आता है, कहते हैं आपकी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियाँ इसका प्रचार करती हैं। जो शीशी होती है, मैं समझता हूँ जो कांच की शीशी जिसमें वो सीरम होता है जिसको विटामिन ई सीरम कहा जाता है या सी कहा जाता है, या तमाम लोग मार्केटिंग वाले अपने अपने रूप से, उसकी शीशी लगभग 400 रुपये की ज़रूर होती है, लेकिन जो आप 5,000 रुपये लेकर आती हैं, बस आप समझिए सीसी का और उस हीरोइन का जो बॉलीवुड अदाकारा है उसका पैसा आप देख के वो सामान ला रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जिसको वो करना है वो करे, हो सकता है उसका कोई लाभ हो। बड़ा सीरम इंस्टीट्यूट दिखाते हैं और ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े रेट्रिक्स यूज होते हैं, हो सकता है वो अच्छा काम करता हो, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें जो वावस्ता है हम जिस चीज़ से, वो ये है हमारे जो दर्शक हैं, आप घर में ऐसा फार्मूला कैसे बनाएं जो विश्व के सिस्टम फार्मूलों में से हो, आपके घर पे तैयार हो और 2-4-5 रुपये की लागत से कम में तैयार हो। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा ही बढ़िया सा नुस्खा जो आपको पूरा लाभ देगा, एक संपूर्ण लाभ देगा और आपके एंटी एजिंग प्रोसेस को रोकने में मदद करेगा। और साथियों, कहते हैं बड़ी चीज़ का इलाज छोटा होता है, उसी तरह आपका अगर आपको रिंकल्स दूर करने हैं तो आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको लेना है आधा एवोकाडो। एवोकाडो एक फल है जो न्यूजीलैंड साइड ज़्यादा होता है, लेकिन अब अपने भारत देश में सारे फल आने लगे हैं, तो आप एवोकाडो आधा ले लें, उसका बीज होता है बड़ा सा, वो निकाल लें, उस हाफ एवोकाडो को लें और साथ में आप उसके मिक्स करें मिल्क क्रीम को उसमें मिला लें, और आप उसमें मिला लें शहद और हनी। 1 चम्मच मिल्क क्रीम मान लीजिए, 1 चम्मच आप शहद मान लीजिए, और आप उसमें मिला लें अलसी, अलसी के जो बीज होते हैं 1/2 चम्मच वह आप अलसी के बीज उसमें डाल लें। इन चारों चीज़ों को साथियों आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी प्यूरी बना लें, इसको अच्छे से घोट लें बिल्कुल पूरी तरह से और इसको छान लें, तो आपकी एक प्यूरी बन जाएगी। उस प्यूरी को आप चेहरे पे लगा लें, 1 आवर आप चेहरे पे लगा छोड़ दें, फिर आप धो दें। ऐसा आप 1 महीने तक करें, आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जो रिंकल्स हैं
वह धीरे धीरे जाने लगेंगी, आपकी स्किन टाइट होने लगेगी, आपका कोलाजन प्रोटीन जो फाइबर है वह आपको लाभ देने लगेगा और आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ कठिन नहीं है साथियों, बस इसमें एक अगर कोई चीज़ आपको चैलेंजिंग लगेगी तो वो बस केवल लगेगा एवोकाडो। तो एवोकाडो आप बाज़ार से एक ले आइए, 10-15 रुपए से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, उसको आप हाफ कर लीजिए, हाफ एवोकाडो, अलसी के बीज एक चम्मच, शहद और मिल्क क्रीम, इन चारों चीज़ों को आप मिला के अपने चेहरे पर लगा लें, आप देखेंगे आपके चेहरे का पूरा नरिशमेंट हो जाएगा। और साथियों हम आपको ये भी बताते हैं कि यह क्यों काम करेगा। यह नुस्खा साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि इसका जो पहला इंग्रेडिएंट होता है एवोकाडो, एवोकाडो में एवोकेटिन बी नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो आपके एंटी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाने में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो साथियों यूज़ हुआ है मिल्क क्रीम, मिल्क क्रीम में रेटिनॉल पाया जाता है जो एक एंटी एजिंग कंपाउंड होता है। और तीसरा कंपाउंड जो इसमें यूज़ करा गया है वह है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। फ्लैक्स सीड्स में साथियों प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और मानव द्वारा फ्लैक्स सीड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप है जो कल्टीवेट किया गया। और साथियों हनी, शहद एक ऐसा कंपाउंड है साथियों जिसमें 181 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्किन के लिए पाए जाते हैं, 20 में से 18 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और यह आपकी स्किन के रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आरओएस को कम करता है। तो तमाम फायदे हैं साथियों इसके, आप इस नुस्खे को साथियों करिए और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइए कि आपको इस नुस्खे से लाभ हुआ कि नहीं हुआ। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। और साथियों हम आपको बोनस दवा भी बताते हैं वीडियो में कि अगर आपके रिंकल्स हैं तो आप होम्योपैथी की दो बड़ी कारगर दवाएं जो इस्तेमाल करके अपने रिंकल्स को दूर कर सकते हैं, पहली दवा है एब्रोटेनम और दूसरी दवा है सरसा पेरिला। एब्रोटेनम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार और सरसा पेरिला 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार, यह दो दवाएँ आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी स्किन के रिंकल्स कम होंगे और आपको लाभ होगा, आपकी स्किन साफ होगी। लेकिन साथियों दवाएं हैं तो किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा, यूँ अपने मन से मत लीजिएगा। निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।